कोई भी स्पेशल डे में कम मेहनत और कम चीजों से अगर हम कुछ मीठा बना लेते हैं तो खुशी और बढ़ जाती है। ऐसे ही रेसिपी आज हम बनाएंगे। हाय फ्रेंड्स, पवित्र रक्षाबंधन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर आज हम बनाएंगे कम चीजों से बनने वाले नारियल के लड्डू। इस नारियल के लड्डू को हम तीन चीजों से बनाएंगे, तो फिर चलिए देर न करके वीडियो को शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे ग्रेटेड कोकोनट। उसका जो ब्राउन का पार्ट होता है उसे मैंने निकाल लिया है। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट है तो आप उसे भी ले सकते हैं। अब हम नारियल को 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। इसका कलर नहीं चेंज करना है, इसमें जो थोड़ा सा पानी रहता है उसे हमें सुखाना है। अब नारियल का पानी सूख गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। अब उसी सेम कढ़ाई में हम 1/2 लीटर का दूध लेंगे और इसे हम अच्छे से पकाएंगे लो टू मीडियम आंच पर, जब तक दूध आधा ना हो जाए। अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच चीनी डालेंगे। आप अपने स्वाद के हिसाब से चीनी को ज्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आप दूध को हाई फ्लेम में उबालते हैं तो इसे लगातार चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा। अब इसका टेस्ट को एनहांस करने के लिए मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हमारा दूध सूख के आधा हो गया है। अब हम इसमें नारियल को जो भून के रखे थे उसे डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। नारियल को हमें दूध के साथ अच्छे से पकाना है, जब तक नारियल सारा दूध अब्जॉर्ब करना ले। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच मिल्क पाउडर, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। अब हमारा नारियल सारा दूध को अब्जॉर्ब कर लिया है और कढ़ाई में इकट्ठा हो जा रहा है एक जगह पर। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे और ऐसे ही हाथों में थोड़ा थोड़ा लेके इसका लड्डू बना लेंगे। अब हमारा सुपर टेस्टी नारियल का लड्डू बनकर तैयार है। आप अपने हाथों से इस नारियल के लड्डू को इस रक्षाबंधन पर बनाइए और अपने भाई के साथ एंजॉय कीजिए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आज का वीडियो आप सबको थोड़ा सा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।